हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हेलो दोस्तों, वैकेंसी विश्राम में आपका स्वागत है। हम आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LICAAO रिक्वायरमेंट 2023 वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल पोस्ट, करेक्ट डेट, वैकेंसी डिटेल, अप्लाई डेट तथा सिलेबस के बारे में बात करेंगे। या वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें टोटल पोस्ट 300 है और करंट ईयर 277 पोस्ट है और बैकलॉग को 23 सीटें हैं। वहीं वैकेंसी डिटेल की बात कर लें तो जनरल के लिए 112 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 70 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 सीटें, एससी के लिए 69 सीटें, एसटी के लिए 22 सीटें हैं। अप्लाई डेट की बात कर लें तो 15 जनवरी से 31 जनवरी तक है। वहीं फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 826 रुपये है और वहीं पर एससी एसटी की बात कर लें तो यहां पर 100 रुपये है। और एज की बात कर लें तो 1 जनवरी 2023 तक जिसकी एज है वही इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज 21 से 23 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर छूट की बात कर ले हम तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट रहती है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है। एजबिलिटी की बात कर ले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पेज 1 में प्री एग्ज़ाम होगा और पेज 2 में मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर ले 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 1 घंटे के रहेंगे। और रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन, मैथ भी 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 35 क्वेश्चन रहेंगे। वही पेपर मॉडल हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। और इसके बाद हम प्री क्वालिफिकेशन मार्क की बात करें तो सब्जेक्ट वहीं पर एसटी एसटी और पीडब्ल्यू अदर स्टेट के लिए, यहाँ पर रीजनिंग एसटी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 16 मार्क, अदर स्टेट के लिए 18 मार्क होना चाहिए। अब मैथ में भी 16 और अदर के लिए 18 मार्क होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें एस सी एस टी पी डब्ल्यू के लिए 9 नंबर और अदर के लिए 10 नंबर होने चाहिए। अब मेंस क्वालिफिकेशन मार्क की बात कर लें तो एस टी एस सी पी डब्ल्यू अदर के लिए, यहाँ पर एस टी एस सी और पी डब्ल्यू के लिए 40 नंबर, अदर के लिए 45 नंबर। वहीं पर हम बात कर लें तो 27 और 30 नंबर होने चाहिए, जिसमें से 40 और 45 होना चाहिए। 27, 30 और 9, 10 नंबर होने चाहिए। रीजनिंग में 40, जीएस और सीए में 27 और डेटा एनालिसिस में 40 होना चाहिए। इंटरनेशनल इंटरफेक्शन में से 27 और वहीं पर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए 9 नंबर होने चाहिए। अब इसमें बात करते हैं मेन एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। 120 क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे का टाइम रहेगा। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 नंबर के 40 मिनट होंगे और जीए और सीए 30 क्वेश्चन 60 नंबर का 20 मिनट रहेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 नंबर 90 नंबर का 40 मिनट के रहेंगे। वहीं पर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट की बात कर और एवरेंस की बात करें 30 क्वेश्चन 60 नंबर के 20 मिनट रहेंगे। वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग के और इसी के बात कर लें तो 2 क्वेश्चन 25 नंबर के और 30 मिनट का टाइम रहेगा। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।